और थर्मिस्टर लोग बोलते हैं बहुत टफ है, लेकिन सर ने इस ऐसा ट्रिक से बताया कि हम लोग को एक बार में इतना कन्फर्म हो गया कि बोर्ड को मैं सिंपली 5 मिनट में जितने भी बोर्ड में कैपेसिटी वो लगे हुए रहते थर्मिस्टर 4 से 5 सारों को मैं निकाल सकता हूँ 5 मिनट में। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वो आ गया थर्मिस्टर ढूंढने का, और सारे वो रिबॉलिंग का ट्रिक वो बहुत ईजी था। मैंने पहली बार रिबॉलिंग करके बहुत ही अच्छे मतलब दूसरी बार की कोशिश में ही बहुत अच्छे से और सफाई से रिबॉलिंग हो गया। और उसके बाद देवरत्न सर से कंपोनेंट की क्लास थी, और मैं तो सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से देवरत्न सर जैसा कंपोनेंट का क्लास और कोई दूसरा पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी आसानी से और एक ही चीज़ को वो लगभग 4 से 5 बार रिविज़न खुद करा दिए कि हमारे जो डाउट थे और जो बच भी गए उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्लास हुई वो डाउट उसी में ख़त्म हो गए। और ऐसे इस तरह से हमारा दिन भर का बहुत अच्छा क्लास रहा। मेरे को कोई कंपोनेंट की नॉलेज नहीं थी, आईसी की नहीं, कैसे खोलते क्या करते कुछ भी पता नहीं, फिर भी पहली बार में आईसी रिबॉलिंग कर ली सर। अच्छा, हाँ कैसा लग रहा? अच्छा भी थैंक यू वेरी मच। एक बार एशिया टेलीकॉम के लिए और देव सर के लिए तालियां, एमडी सर के लिए भी तालियां। और उसके बाद कंपोनेंट की क्लास में देव सर ने तो इतना बढ़िया सिखाया सर कि मतलब जो चीज़ मेरे को पता ही नहीं थी वो आज एकदम से नया कुछ सीख रहा हूँ ऐसा लग रहा है। क्लास की हमारी रिबॉलिंग किसने करा, थोड़ा हाथ खड़े करके बताइए। 1, 2, 3, 4 सबने किया सर, कंपोनेंट की देव सर के साथ। कैसा लगा आपको? एक नंबर सर। इसके पहले कहाँ देखा था आपने देव सर को? ऑनलाइन देखा था सर, ऑनलाइन यूट्यूब में, फेसबुक पे देखा होगा। यस सर। उनके साथ क्लास लेने का सौभाग्य मिला आपको, कैसा लगा? एक नंबर सर, बहुत खुशी हुई। और उसके बाद नॉलेज कैसा मिला आपको? बहुत जोरदार मिला सर, जबरदस्त, एक नंबर। गाजियाबाद से हूँ और मेरी फर्स्ट क्लास थी आज यहाँ पे। पहले हमारी रिवॉल्विंग की क्लास थी, फिर कॉम्पोनेंट्स की क्लास हुई, उसके बाद प्रैक्टिकल सारा दिखाया गया हमें कॉम्पोनेंट्स के बारे में, और बहुत बढ़िया क्लास लगी सर। अच्छा, किसी प्रकार का कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। गोल की क्लास थी, उसके बाद कंपोनेंट्स की क्लास हुई, बाकी ओवरऑल सब बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा रहा सर पूरा। हमने तो बहुत बढ़िया क्लास दी, आपसे रिकॉलिंग हुई कि नहीं? यस सर हुई है। आपको कंपोनेंट की आइडेंटिटी हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई है। कंपोनेंट की रीडिंग निकाल सकते हैं? यस सर, सकते हो। मैं नेपाल से राम कुमार आया हूं मैं जी। आज हमारा रिबॉलिंग का फर्स्ट टाइम, फर्स्ट दिन से शुरू हुआ, इतना जबरदस्त हुआ, कभी मैं फर्स्ट टाइम किया आज, मैं 5-6 बार किया है, बहुत जबरदस्त था। आज कंपोनेंट्स का भी क्लास हुआ था, पूरा उसका जीआर, उसका कंटिन्यूटी पूरा सही, एक्स वाई जेड। जी सर, अभी आपको भी कंपोनेंट में दिक्कत है क्या? नहीं सर। मेरा नाम तारा ढकाल है, मैं नेपाल से आया हूँ। आज हमने फर्स्ट में 8 बजे आके हमने रिबॉलिंग की क्लास 9:30 बजे 11:30 बजे तक की। उसके बाद देव सर के साथ हमने कंपोनेंट्स की क्लास की, वो भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, जितना सोचे थे उससे ज़्यादा अच्छा रहा। उसके बाद 5 बजे से 9 बजे तक ने फिर प्रैक्टिकल की, जो देव रत्न सर ने पढ़ाया था वही हमने यहाँ आके प्रैक्टिकल की, वो भी बहुत अच्छा गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम का था, लेकिन फर्स्ट टाइम में मतलब 5 बार में ठीक ठाक अच्छा। इसके पहले SMD पे काम किया आपने? कभी हाथ में लिए देखो? नहीं सर, कभी। पहली बार में 3 घंटे में रिबॉलिंग कैसे संभव है? तो सब पॉसिबल है। कंपोनेंट की रीडिंग क्या है, तरीका कैसा लगा देव सर का पढ़ाने का? एक नंबर लगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। गुजरात से हूँ जी। आज देव सर के 8 बजे रिबॉलिंग की क्लास थी, 11:30 बजे देव सर के साथ क्लास थी रजिस्टर कंपोनेंट की, और 5 बजे प्रैक्टिकल था। बहुत बढ़िया रहा, एकदम एक नंबर का क्लास रहा, डीपली नॉलेज मिलता है यहाँ पर। मैं आसाम से हूँ, बहुत अच्छा क्लास हुआ, सुबह रिबॉलिंग से स्टार्ट हुआ, कंपोनेंट जितना भी आपका मीटर वेटर सब बताया हुआ। और आज वैसे कंपोनेंट का क्लास भी हुआ था जिसमें अच्छा पढ़ाया गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। उसके बाद उसके लिए प्रैक्टिकल भी हुआ, प्रैक्टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे जितना बार समझ में ना आए पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई टीचर वगैरह बताता नहीं हो या ये नहीं करता हो? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ। छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ राहुल बताइए। सुबह हमारी रिबॉलिंग क्लास हुई, MMC क्लास, तो उसमें हमने IC रिबॉलिंग की। इससे पहले मैं बिल्कुल मतलब रिबॉलिंग किया ही नहीं था, और फर्स्ट टाइम में तो नहीं हुआ, सेकेंड टाइम में एकदम फिक्स हो गया, उसके बाद लगातार किया, हर बार सक्सेस हुआ। आज फर्स्ट टाइम 8 बजे आया और IC का रिबॉलिंग क्लास हुआ, और 11 बजे तक चला। उसके बाद देव सर के साथ
कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की फुल डिटेल में जानकारी मिली और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रैक्टिकल क्लास चली और पूर्ण रूप से सहमत सारा चीज़ पूरा कंप्लीट है आपका। यस सर। नेपाल से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक MMC का रिकॉल का क्लास हुआ, उसके बाद में 5 बजे तक कॉम्पोनेंट का हुआ, उसके बाद में प्रैक्टिकल हुआ। सब क्लास वाले खुश हैं। नहीं है आपका क्या हुआ? नहीं, मेरा मैं भी हूँ। मैं भी कोई कंपोनेंट वगैरह में डाउट किसी प्रकार का रीडिंग में कोई रिबॉलिंग में दिक्कत किसी को? आज तो आज सुबह में हम लोग का रिबॉलिंग क्लास था 8 बजे से और 8 से 11:30 तक रिबॉलिंग क्लास था। उसके बाद मैंने 11:30 बजे के बाद मैंने देवरतन सर के साथ हमारा था कंपोनेंट का क्लास, जिसमें थर्मिस्टर बताया, रजिस्टर बताया और कैपेसिटर बताया। और थर्मिस्टर लोग बोलते हैं बहुत टफ है, लेकिन सर ने इस ऐसा ट्रिक से बताया कि हम लोग को एक बार में इतना कन्फर्म हो गया कि बोर्ड को मैं सिंपली 5 मिनट में जितने भी बोर्ड में कैपेसिटर वो लगे हुए रहते थर्मिस्टर 4 से 5 सारों को मैं निकाल सकता हूँ 5 मिनट में। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वो आ गया थर्मिस्टर ढूंढने का और सारे वो रिबॉलिंग का ट्रिक वो बहुत ईजी थी। मैंने पहली बार रिबॉलिंग करके बहुत ही अच्छे मतलब दूसरी बार की कोशिश में ही बहुत अच्छे से और सफाई से रिबॉलिंग हो गया। और उसके बाद देवरत्न सर से कंपोनेंट की क्लास थी और मैं तो सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से देवरत्न सर जैसा कंपोनेंट का क्लास और कोई दूसरा पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी आसानी से और एक ही चीज़ को वो लगभग 4 से 5 बार रिवीजन खुद करा दिए कि हमारे जो डाउट थे और जो बच भी गए उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्लास हुई वो डाउट उसी में ख़त्म हो गए। और ऐसे इस तरह से हमारा दिन भर का बहुत अच्छा क्लास रहा। मैं आसाम से प्रीतम पाल, मैंने इतना साल काम किया लेकिन मुझे रिवॉल्विंग मतलब आता नहीं था। मैं 7 साल से काम कर रहा था लेकिन यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा एक ट्रिक बताया और मेरा रिवॉल्विंग हो गया। जबकि सुबह मैंने 8 बजे शुरू किया और उसके बाद आधा घंटा में मेरा रिवॉल्विंग पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने 5 बार और रिवॉल्विंग किया। उसके बाद मुझे देव सर के साथ कंपोनेंट और इसके बारे में जानकारी मिली, जो कि मैंने 7 साल से काम कर रहा था उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ मालूम चल गया जी ना कंपोनेंट। उसके बाद मेरा जो वहाँ पे प्रैक्टिकल था वो प्रैक्टिकल बाद में आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे जो जो कन्फ्यूजन था मैंने पूछा वहाँ पे सारा मिल गया मुझे। यहाँ पे गुजरात से हूँ, देव सर के साथ क्लास थी, रजिस्टर कैपेसिटर और थर्मिस्टर की और एंडलेस सॉल्यूशन दिया उसने। आज सुबह की जो क्लास हुई हमारी पहले क्लास बहुत अच्छी थी। पहले क्लास में आज रिबॉलिंग की हुई तो आपने ही बहुत अच्छा से समझाया हमें ऐसा करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद जो थ्योरी क्लास हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद फिर से हम लोग 5 बजे मिले, वो भी क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे को कोई कंपोनेंट की नॉलेज नहीं थी, आईसी की नहीं, कैसे खोलते क्या करते कुछ भी पता नहीं, फिर भी पहली बार में आईसी रिबॉलिंग कर ली सर। अच्छा, हाँ कैसा लग रहा? अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद कंपोनेंट की क्लास में? कंपोनेंट की क्लास में देव सर ने तो इतना बढ़िया सिखाया सर कि मतलब जो चीज़ मेरे को पता ही नहीं थी वो आज एकदम से नया कुछ सीख रहा हूँ ऐसा लग रहा है। आज सुबह पहली बार क्लास हुआ और 8 बजे से 11 बजे तक रिबॉलिंग क्लास हुआ। इसके बाद 11 बजे से 5 बजे तक देवेंद्र सर के साथ कंपोनेंट का क्लास हुआ, रजिस्टर कैपेसिटर सारे अच्छा तरीके से समझाया। क्लास तो हुआ, सवेरे भी हुआ, दोपहर में भी हुआ, रात को भी हुआ, तुम्हारे को समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। पूरी भारत क्लास हो रही है और मैं आसाम से हूँ। आज मेरा पहला क्लास था, सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक मैंने आईसी रिबॉलिंग सीखी। उसके बाद कितनी बार करी आपने? जी मैंने 4 बार करी। आज पहली बार था। पहली बार था जी। तो बाकी कंपोनेंट का क्लास था और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी किया तो काफ़ी अच्छा था। कैसा लग रहा है आपको? अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?